पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में अपनी आतंक परस्ती फिर जाहिर कर दी। अपने बयान में वो तालिबान की तरफदारी करते नजर आए। तालिबान की तारीफों के पुल बांधते हुए कुरैशी ने सारी हदें तोड़ दी और कहा कि एक डर था कि तालिबान लड़कियों की शिक्षा पर बंदिश लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तालिबान ने सामान्य माफी की घोषणा की है, स्कूल और कारोबारी प्रतिष्ठान खुले रहे हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की वो बदला नहीं लेंगे। तालिबान के शांतिपूर्ण उठाए गए सभी कदम स्वागत योग्य हैं। इतना ही नहीं, तालिबान का समर्थन करते हुए उन्होंने गनी सरकार पर भी निशाना साधा। कुरैशी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में एक भ्रष्ट व्यवस्था थी। अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति पाकिस्तान की प्राथमिकता है। कि अफगानिस्तान में अमन शांति बहाल हो, वहां बाजार खुले रहे और अफगानिस्तान सामान्य जीवन की ओर बढ़े। तालिबान के तारीफों के पुल बांधते हुए कुरैशी लगातार तालिबान की तरफ से आम लोगों को दी गई माफी का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि काबुल हवाई अड्डे से निकासी के संबंध में लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, लेकिन तालिबान की सामान्य माफी की घोषणा के बाद किसी भी निकासी की आवश्यकता नहीं है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास अफगानिस्तान में विदेशियों को ट्रांजिट वीजा जारी कर रहा है। कुरैशी ने आगे कहा कि पूरा क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है। कुछ विदेशी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने में व्यस्त हैं। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर और सुनियोजित षड्यंत्र के जरिए अशांति पैदा कर देश को व्यवस्थित तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम इन ताकतों को सामने ला कर रहेंगे। खैर, कुरैशी क्या करे, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आतंक प्रेमी है और दुनिया इससे वाकिफ है। तालिबान आज के वक्त में इतना मजबूत होकर पूरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर गया, इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो खुद पाकिस्तान की रही है। पाकिस्तान पीछे से हथियार से लेकर सैन्य सहायता तक तालिबानी आतंकियों को मुहैया कराता रहा और हर संभव कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके वो अफगानिस्तान की मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त करके तालिबानियों का राज कायम कर सके। और हुआ भी ऐसा ही, जिसके बाद से पाकिस्तान में तो रोज ईद जैसा माहौल है। इमरान के जितने भी सरकारी गुर्गे हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।